हेलो फ्यूचर कंपनी सेक्रेटरीज, बच्चे द वेट इज ओवर। वैसे तो आप सब लोग जानते हैं कि हम लोगों के सीएस प्रोफेशनल के जो बैचेस हैं अन अकेडमी के, वो स्टार्ट हुए थे इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी, जहां हम लोगों ने अपना जो टॉपिक है, ड्राफ्टिंग हो, चाहे कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग हो, चाहे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हो, चाहे सेक्रेटेरियल ऑडिट हो, चाहे हमारा सीएसआर हो, एथिक्स एंड गवर्नेंस हो, ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, मैंने और हमारे को फैकल्टीज ने, जिनके अंदर जसप्रीत धनजाल मैम भी आती हैं, रचित ढींगरा सर भी आते हैं। जसप्रीत धनजाल मैम जो कि चेयरपर्सन रह चुकी हैं पटियाला चैप्टर ऑफ ICSI की एंड अ कंपनी सेक्रेटरी विद मोर देन 7 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, वहीं पर रचित ढींगरा सर जो है, एज ऑल ऑफ यू नो, अ ग्रुप कंपनी सेक्रेटरी ऑफ हल्दीराम, एंड मैं CS अमित वोरा अपने 20 साल के एक्सपीरियंस के साथ आपको CS प्रोफेशनल पढ़ा रहा हूं। बच्चे, CS प्रोफेशनल में बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कह रहे थे कि सर नया बैच कब से स्टार्ट होगा, बिल्कुल फ्रेश हम लोगों को बिल्कुल नए सिरे से स्टार्ट करना है। तो बच्चे, द वेट इज ओवर। यहां पर मैं आपको बताने आया हूं कि हमारा जो नया बैच है वो कब से, यानी कि कल से स्टार्ट होने वाला है एंड उसकी क्या क्या फीचर्स रहने वाली है। सबसे पहली बात तो ये बेटा कि हमारा जो CS प्रोफेशनल का बैच है वो 10th ऑफ मई से स्टार्ट हो रहा है। यस बच्चे, यू हर्ड इट राइट, कल से स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर, ड्राफ्टिंग के अंदर, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वेरियस लॉज या वेरियस लेजिस्लेशंस रिलेटेड टू डीड्स एंड अग्रीमेंट्स, जो कि आपका ड्राफ्टिंग के मॉड्यूल के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो चैप्टर नंबर 3 है, जिसको हम बिल्कुल कल फ्रेश स्टार्ट करने वाले हैं नए बैच के अंदर। इसी के साथ जब हम बात करते हैं मॉड्यूल 2 के अंदर कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग वैल्यूएशन एंड इंसॉल्वेंसी में, हम लोग बेटा वाइंडिंग अप से स्टार्ट करने वाले हैं एंड जो हमारा कॉर्पोरेट फाइनेंस है उसके अंदर हम बात करेंगे अपनी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2021 की, जो कि हमारे कोर्स के अंदर नॉन फंड रेजिंग सिक्योरिटीज़ के अंदर आता है हमारे सब्जेक्ट में। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स जो हैं ये 10th ऑफ मई से, यानी कि कल से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चे, एंड बाकी सारी फैकल्टीज जो हैं वो भी अपने जो सब्जेक्ट्स हैं 15th एंड 17th से स्टार्ट कर देंगे। बेटर है कि आप डे 1 से ही इस बैच को ज्वाइन कीजिए, सो दैट आपका बिल्कुल बेस जो है वहीं से, जो आपका कहते हैं ना कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी एंड स्ट्रेंथ जो है स्पेशली प्रोफेशनल लेवल पे, वो लाना बहुत ज़रूरी है। हाँ, आप सही कह रहे हो, हम लोग ज़्यादा पढ़ाते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ाते। आपका जो कोर्स है वो उतना है कि आपको सिर्फ पास होने के लिए नहीं पढ़ना होता बेटा, आपको पढ़ना होता है एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है, मैं बोलता हूँ जैसे एग्ज़ाम के लिए, पास होने के लिए, करियर के लिए आपको पढ़ना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन जो है या ये वाला चैप्टर जो है ये 5 मार्क्स का हमारे एग्ज़ाम में आ सकता है। सर ये बहुत बड़ा लग रहा है, सर मैं इस चैप्टर को छोड़ दूँ, सर ये वाले कॉन्सेप्ट में सर थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है। बेटा एक चीज़ याद रखिए, कोई भी कॉन्सेप्ट जो है, चाहे वो आपके पेपर में 5 नंबर का आए या ना आए, लेकिन आपकी लाइफ में 500 करोड़ का क्वेश्चन आके खड़ा हो सकता है। तो कहने का मेरा मतलब क्या है, चाहे छोटे से छोटा टॉपिक हो, बड़े से बड़ा चैप्टर हो, सारी चीज़ों को हम इन डेप्थ एनालिसिस के साथ कवर करते हैं। जैसा कि मैंने आप सब लोगों को बताया कि ड्राफ्टिंग सब्जेक्ट के अंदर हम लोग एक एक लेजिस्लेशन को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि सर कल को जब हम कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी होते हैं तो कंपनी का जो MD होता है, कंपनी के जो CEOs होते हैं, कंपनी के जो होल टाइम डायरेक्टर्स होते हैं, उनके कहने पे हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ड्राफ्ट करने पड़ते हैं। नो डाउट कंपनी की लीगल टीम होती है, नो डाउट के सर कंपनी के पास सेक्रेटेरियल टीम भी अलग होती है, लेकिन उस सेक्रेटेरियल टीम का अगर हेड हम बन जाए, उस लीगल टीम का अगर हम हेड बन जाए, तो क्या दिक्कत है भाई? कंपनी सेक्रेटरी बनने के बाद क्या हमें डायरेक्टर लीगल बनने का भी राइट है? क्या हम कंप्लायंस ऑफिसर भी बनते हैं सेबी की नजरों में? यस सर। तो ये सारी चीजें है ना, कहते हैं ना द ग्रेट पावर कम्स विद द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? अब जैसा मैंने आपको कहा कि हम कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग की बात करते हैं, उसके अंदर चाहे मर्जर अमलगमेशन हो, चाहे आपका जिसको आप कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट भी बोलते हो, फिर चाहे आपका अगर हम बात करें तो IBC हो, वैल्यूएशन हो, वाइंडिंग अप हो, स्ट्राइक ऑफ हो, बेटा सारी की सारी चीजों को हम बहुत डिटेल में बेयर एक्ट से पढ़ने वाले हैं विद मल्टीपल, आई वुड से मोर देन न्यूमरस केस लॉज, जो जजमेंट्स है कोर्ट की, वो सब के सब हमको
पढ़नी है। तो बेटा इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो आपकी जो क्लासेस हैं, मेरे सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो मेरे सब्जेक्ट्स की क्लासेस बेटा मंडे टू सैटरडे होती हैं, एंड बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी क्लासेस मंडे टू सैटरडे होती है। संडे का टाइम हम आपको रिविजन के लिए ज़रूर देते हैं, एंड हमारे यहाँ पर जो एड हॉक टेस्ट सीरीज़ है वो भी स्टार्ट होगी। जैसे कि अगर हम बात करें, अब आप दिसंबर के लिए अपियर होंगे, तो आपके लिए इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर एड हॉक टेस्ट सीरीज जो है वो स्टार्ट होगी, जिसमें हम चैप्टर वाइज टेस्ट लेंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ, चाहे आपके मॉड्यूल की 100% कवरेज हो, चाहे आपके पास्ट ईयर के एग्जाम क्वेश्चंस हो, चाहे आपकी टेस्ट सीरीज हो, चाहे आपके वॉइस नोट्स की, जब हम बात करते हैं आपको खुद अपनी आवाज़ में वॉइस नोट्स बनाने होते हैं जो रिवीजन के बहुत काम आते हैं, इसके अलावा चाहे क्लास के अंदर आपकी राइटिंग प्रैक्टिस हो, ये सारी चीज़ें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं सिर्फ एक बात बोलता हूँ, तुम मुझे टाइम दो, तुम मुझे पेशेंस दो, तुम मुझे सब्र दो, मैं तुम्हें नॉलेज दूंगा। और वो नॉलेज जो पास होने के लिए तो ज़रूरी है ही है, लेकिन करियर में एक अलग ऊंचाई पे लेके जाएगी आपको ऐसी नॉलेज। बस इसके लिए आपको करना क्या बच्चे, मुझे और मेरी पूरी टीम को ज्वाइन करना है अन अकेडमी पे, और हम लोग मिलेंगे कल से अपनी क्लासेस में। यहाँ आपको सब्सक्रिप्शन के लिंक्स भी मिल जाएंगे बच्चे, फटाफट से इसको ज्वाइन कीजिए। सी यू गाइस इन द लाइव क्लास, लेट्स क्रैक इट।